महिला गिर गई और गाड़ी चल रही थी और गिर। हमने नहीं खाई, कुकिंग अच्छी कर लेते हैं। इधर लाओ मेरे पास। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक नए व्लॉग में सबका स्वागत है और अभी मैं जा रहा हूँ इंस्टीट्यूट, जल्दी से पहुँचता हूँ क्योंकि मुझे पहले लेक्चर के लिए सबसे पहले पहुँचना पड़ता है। ताला वाला खोलूँगा और फिर वापस आऊँगा। तो भाई अभी सीन ये मैंने दिखाया आपको कि क्या हुआ था कि मैं जस्ट ब्रिज क्रॉस कर रहा था और वहाँ पर अचानक जो है एक महिला गिर गई और गाड़ी चल रही थी और गिर गई और थोड़ी सी हल्की सी सर में चोट आई थी उनको और मुँह से थोड़ा सा झाग निकला और अनकॉन्शियस हो गई एकदम। और तो भाई साहब मैं तो देख के डर गया और थोड़ी देर में रुका वहाँ पर, उनको हमने उठाया और जो आपने कार देखी है वो भाई साहब दूर से आए और उन्होंने अपनी कार में जो है वो मदद करी और वो अभी हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे सब ने मदद करी, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, भाई आप अपने परिवार का इतना ख्याल रखते हो, अपना भी ख्याल रखा करो। इतना ज़्यादा जो है वो मेहनत आजकल लोग करते हैं कि अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रखते, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुबह कुछ खाली पेट रहता है, अनकॉन्शियस हो गए और गाड़ी पे से गिर गए। भगवान करे कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। लेकिन सारे महिलाओं से मेरा निवेदन है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। आप लोग अपने परिवार को संभालते हो, अपने आप को भी सबसे पहले संभालो, तब आप परिवार को अच्छे से संभाल पाओगे। तो भाई देख के बहुत डर गया था मैं। अब जल्दी से मैं इंस्टीट्यूट से घर आया हूँ, तैयार होकर के फिर जाता हूँ। तो फर्स्ट लेक्चर के लिए रेडी, इंस्टीट्यूट पहुँच गया हूँ। जल्दी से पहला लेक्चर लेता हूँ अब। जल्दी 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 शिवो, क्या हाल चाल है गुजू? क्या हाल चाल मम्मी? एक नंबर, बढ़िया। चिंटू जी, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। क्या बात, शादी तो दूसरों के घर की थी लेकिन थकान हमको हुई। हाँ नहीं नहीं नहीं, क्या हाल है? कितना अच्छा है? बहुत ही अच्छा। कैसे बोलेंगे? बहुत ही अच्छा। कैसे हो? बोलना बहुत ही अच्छा। तो भाई अभी शाम का समय हो रहा है और दिन भर से लेक्चर लग रहे हैं और इसलिए समझ सकते हो कि मोबाइल उठाने का भी समय नहीं मिल पाता है। गला आहा, क्या आवाज़ आ रही है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो अभी लेक्चर लेने के लिए जा रहा हूँ, सबसे आखिरी लेक्चर मेरा लगभग 7:15 बजे से रहता है और उसके बाद में फिर आपसे मिलते हैं घर पे। तो भाई समय हो गया है रात का, 9 बज गए हैं और विजय सर मुझे छोड़ने के लिए आए हैं आज घर तक। तो थैंक यू विजय सर। और भाई सुबह से लेकर के शाम हो रही है, तगड़ी मेहनत चल रही है, तगड़ी। और खंडवा में तहलका मचा दिया है, बस ये कह लो आप। कॉम्पिटिटिव के क्षेत्र में तहलका मच गया है। क्यों? क्योंकि भारी भरकम जो है वो बच्चे जो है एडमिशन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जगह पे विश्वास है और रात के 9 बजे तक जब हम काम करते हैं ना, तब जा करके वो विश्वास पैदा कर पाते हैं। क्यों विजय सर? बिल्कुल सर। और अभी आए घर, अभी हमें छोड़ेंगे और अभी जाएंगे 9:30 बजे घर विजय सर। ये है डेडिकेशन। और दूसरी बात, मनोज सर जो है वो आजकल कितने बजे तक रुक रहे हैं सर? 7:30, 7:30 उनकी बस 4 बजे तक ही रहती है। किसी भी तरीके से किसी से भी लिफ्ट लेके इससे उससे जुगाड़ करके, तो भाई साहब इतना एफर्ट लग रहा है सबका। सैल्यूट है भाई मनोज सर, विजय सर आपको भी, इतना तगड़ा मेहनत करते हो सर। आपको भी। अरे हमारी टीम बड़ी तगड़ी है भाई साहब, और जो है पूरे टीम मेंबर्स इतना एफर्ट लगा रहे हैं उसके लिए सबको थैंक यू वेरी मच। ऐसा मस्ती चल रहा है, इसे जोर से नहीं मारना बेटा। तो अभी 2-3 दिनों से ब्लॉग थोड़े से आपको प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पा रहे होंगे क्योंकि देख सकते हो मेरी नाक पूरी जो है ना जमी हुई है और अभी 2 दिन पहले तो मुझे फीवर भी था, इसलिए क्या है कहीं ना कहीं प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था।
लेकिन अभी आपको प्रॉपर व्लॉग मिलेंगे। बने रहने के लिए सब्सक्राइबर, बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अनसब्सक्राइब नहीं करा, आप बहुत सपोर्टिव हो, उसके लिए सबको थैंक यू वेरी मच। और इसी तरीके से शेयर करते रहिएगा व्लॉग्स को, आप बहुत इंकरेज कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो अब क्या चल रहा है देखते हैं। खुशबू, शादी में क्या क्या खाया है तुमने? क्या खाया बता ना। अरे कुछ बोल तो। 4 प्लेट नूडल्स। क्यों खुशबू? उल्टी कर दी। खुशबू कैसी रही शादी? खुशबू अच्छी रही, मजेदार एकदम। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर तो डांस की तो बहुत तारीफ हुई तेरी, है खुशी तो देख लो जरा। है हमारी टैलेंटेड बहन। क्यों मम्मी चिंटू को क्या कहते छोटे मामा? क्रिएटिव, क्रिएटिव लड़की है चिंटू, क्रिएटिव लड़की है। एक्चुअली चिंटू क्या है ना, मेकअप भी करना जानती है, ड्राइंग भी बनाती है, डांस भी अच्छा करती है, ऑलराउंडर है भाई। डांस भी, कुकिंग भी। लेकिन किसी काम को तो व्यवस्थित करो। आर्ट एंड क्राफ्ट। क्या सीखा तूने मेरे से? क्या सीखा? कोई भी चीज थोड़ा सा करना, इसको छोड़ देना, फिर कोई चीज को शुरू करना है, थोड़ा सा उसको सीखना है, करना छोड़ देना उसको। ये हमारे भाई सब सीखा है। लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूट वो कंटिन्यू चला रहे, टीचिंग वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो और कौन सी चीज मैंने करके छोड़ी होता तो? तो भाई पहले ऐसा होता था कि मैं क्या है ना, कोई भी चीज 4-5 दिन करता था और हाँ। फिर मेरा भूत उतर जाता था, तो मैं फिर छोड़ देता था। बांसुरी सीखी है। है क्या सीखा? बांसुरी भी सीखने गए थे, 8 दिन नोट्स बनाए प्रॉपर, बांसुरी बांसुरी सीखी, हारमोनियम सीखा, हारमोनियम सीखा है। और भी क्या? बाथरूम सिंगर भी बहुत अच्छे है, लिरिक्स का आता पता नहीं रहता उसमें, बाकी वो बाथरूम सिंगर बहुत अच्छे हैं। मेरे लिरिक्स में खुद बनाता हूँ, मेरे लिरिक्स में खुद बनाता हूँ, और मैं जब भी गाता हूँ तो ये चिल्लाती है। खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। हमने नहीं खाया, हमने नहीं खाया। हम सब्जियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं, हमने नहीं खाई। कुकिंग अच्छी कर लेते हैं। इधर लाओ मेरे पास, इधर लाओ मेरे पास। इन 5 सालों में मैंने एक बार भी इनके हाथ का कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खिलाया इनने मेरे को बना के, सिर्फ उल्लू बनाया और बाजी बनाई है। कौन सी सब्जी खाना है मम्मी? कौन सी सब्जी खाना है? जो खिला दो भाई। कौन सी सब्जी खाना है? मटर पनीर। मटर पनीर जो नहीं, बटर बटर पनीर मसाला। बटर पनीर मसाला कन्फर्म, मैं बनाने वाला हूँ बटर पनीर मसाला। नहीं नहीं, मटर पनीर पुलाव। क्या क्या? मटर पनीर पुलाव। मटर पनीर पुलाव, ये कौन सी रेसिपी है भाई? अरे ये बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत अच्छा लगता है। शिजू क्या खाएगा? क्या खाएगा? क्या मुझे मुझे क्या खाएगा तू? कित्ता। इनकी कत्ता का मतलब रोटी होता है। ये श्रीजा का कीता का मतलब रोटी। कित्ता खाएगा? कित्ता। श्रीजू हेडफोन कहाँ लगाते हैं? हेडफोन ऐसा। मेरे बहुत तेज सगा पकड़ती भाई लड़की, बहुत तेज पकड़ती। तो रात के बज चुके हैं 12, ब्लॉग को यहीं खत्म करता हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना, और शेयर तो सभी करना। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।